हाँ सर आप बत्तीस ही दिखा रहे हैं। मटन मटन मेरा कोई और एम्बिशन नहीं है रियलिटी टीवी, ये मैं सिर्फ बीच में जब टाइम होता है काम नहीं होता तो मैं रियलिटी टीवी शो कर लेता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। अब ये ख़त्म हुआ है, 42 डेज़ के बाद मैं बाहर आया हूँ और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में, फिल्म्स में, सीरीज़ में, जिसके पास मैं वापस जाऊँगा और अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस जाऊँगा। सना ट्रॉफी जीतने के बारे में मैं यही कहूँगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सराकों पर मानता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग थे। कौन था सर बिग बॉस रियलिटी गेम है, पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस की जैसे जिस तरह से लोकेश अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों के वजह से बाहर गए ना कि वोटों के दौरान, तो काफ़ी लोगों का कहना है ये अनफेयर है, इस पर आपका क्या? बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर उस रूपों में रहेंगे फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। मैं था, अरमान था और भी लोग थे। यार उस मैसेज करके जो जीत जो अच्छा उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए, उसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने अरमान जी को सपोर्ट किया था और मीडिया को आप तीन लोग बैठकर ब्लेम कर रहे थे, सर ये यहाँ पर आप कितना कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को? मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वो कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। तीन कंसेंटिंग अडल्ट किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे। एटलीस्ट मैं, हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूँ बट इतना लिबरल तो मैं भी हूँ कि अगर तीन कंसेंटिंग अडल्ट्स अपने किसी अरेंजमेंट में खुश हैं मैं नहीं समझता हूँ उसमें किसी को आपत्ति को। यार आप दोनों ही सवाल पूछ रहे हो, बीच वालों के कोई सवाल है कि नहीं? तो वो आप वो एक काम करिए ना, आप कानून व्यवस्था को कहिए कि अप्रोच करें जानने के लिए क्या है। अठारह में बिग बॉस में मैंने एक बार कर लिया, मेरे लिए बहुत मैडम का पांचवा सवाल है, ध्यान से सुनिए। आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो सर। मैं तो दूसरों से हैरान हूँ कि वो आपको पूछने दे रहे हैं बार बार। चलिए पूछिए सर, मैं आपको कोई और है नहीं क्या करेंगे अभी। ये सवाल है कि आपने काम को लेकर ज़्यादा या वहाँ पर मैंने बात की कि काम नहीं है या काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा, नहीं मैंने कहा मेरे पास उस वक्त कोई काम नहीं था और जो प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी शूट किए हुए थे वो रिलीज नहीं हो रहे थे, तो मेरे पास एक गैप था मेरे कैलेंडर में जहाँ पे कुछ नहीं था मेरे पास और मेरा बेटा मैं बोल रहा हूँ। बॉलीवुड में भी दुनिया में भी बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, लिबरल्स की दुनिया में मैं खुद जानता हूँ बहुत, अर्बन एरियाज में बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो पब्लिक नहीं है। अब ये इनके रिलेशनशिप पब्लिक हैं तो आप लोग